तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। ये सब ये देखें जी, मोनी बैठी है और बिल्लू बैठा। बिल्लू बिल्लू, आपने खाना खा लिया है? अब आपने भाई नहीं जाना, ये कह रहे जी हमें बाहर लेके जाओ, क्योंकि बाहर जो वो बच्चे खाना खा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं बाहर। चलें बाहर चलते हैं। वो देखें जी, बच्चे वहाँ पे खाना खा रहे हैं। मैं ऐसे ही निकालता हूँ चार चार बच्चों को ना, अगर एक साथ सबको निकाल लूँ तो फिर वो एक दूसरे का खाना खा जाते हैं, वो फिर बदमजगी क्रिएट हो जाती है। तो चार चार को अंदर, जो अंदर वाले बच्चे हैं उनको इस रूम से, जिस रूम से मैं आ रहा हूँ उनको खाना खिला चुका हूँ, अब इनको खिला रहा हूँ। और इस रूम में जो बच्चे हैं ये देखें, वो नज़र आ रहे होंगे आपको, वो बाहर आने के लिए बेचैन हो रहे हैं। ये देखें, दरवाज़ा खोल के कह रहे हैं कि हमें बाहर निकाल दो खाने के लिए। तो जब ये बच्चे फिनिश कर लेंगे तो फिर इस रूम वाले बच्चों को निकाल देंगे हम। और यहाँ पे क्या बन रहा है? खाना बन रहा है, ऑयल वाली रोटियां लोबिया के साथ, और ये लोबिया का साग है, दिखाओ ये वाला तो जैद का फेवरेट। हाँ, तो मेरा फेवरेट सालन डालो। और ये मेरी छोटा सा पेड़ा है, ये वाला मेरा, ये मैं अपनी जो रोटी बनाऊंगी ग्लूटेन फ्री आटे की, फुजैल के लिए नॉर्मल जो घर का आटा होता है गंदम का वही होगा, ये मेरा ग्लूटेन फ्री है। ये लोबिया तो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। ये देखें, ये पड़ा है, इसे डालते हैं बाउल से, इसमें शिफ्ट करते हैं, फिर ओवन में ना गर्म कर लेंगे। के सुबह से ना मैंने इतना कंटेनर पूरा खा लिया होगा ना, इससे ज्यादा ही खा लिया है तकरीबन, देखो इतना खा लिया है मैंने। इतना खा, फुजैल का ये बहुत ज्यादा फेवरेट है, फिर मैं ये ज्यादा बनाती हूँ, फुजैल सारा दिन ना खाते रहते हैं स्पून के साथ। सर ये देखें बहुत प्रूफ, ये स्पून अभी अंदर ही है इसके, ये देख, और यकीन माने कमाल का है, बहुत ही आला टेस्ट है। उसकी रेसिपी नहीं थी तुमने? नहीं, बहुत ही इजी तरीका है इसको बनाने का, बहुत इजी तरीके से मैं बनाती हूँ, बहुत ही इजी तरीके से। चलें जी, इसको ओवन में रखते हैं। इसका टाइमर कितने पे लगाऊं? तीन मिनट पे लगा लीजिए। वो टिफी टॉफी क्या कह रहे हो? आप इधर आ गए हो खाना छोड़ के, अभी आपने भी नहीं खाया टॉफी। अब छुट्टी टाइम खत्म, अब लंच के लिए आए हुए थे तुम, और अब चलते हैं इस कमरे में डिनर के लिए। अब चलें उस कमरे में, चलें चल चले। नहीं, जो नहीं जाना चाहती, अब जा रहे हैं उस कमरे में, ठीक है? अल्लाह हाफिज भाई, वे कर दो भाई, वे कर दो, कह रही है छोड़ दो छोड़ दो, मैंने नहीं जाना वहां। अच्छा ये तो ठीक है। अच्छा भाई, हम मिन्नो को लेके जा रहे हैं, मिन्नो उस कमरे में चलो 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 मिनी चलो। अच्छा भाई, वे कर मिनी दो, आपको लेकर जा रही भाई है, वे कर दो भाई, नहीं जी मेरी मिनी को दे दो मुझे भाई, वे मिनी भाई, वे कर दो मिनी, नहीं नहीं जाना, नहीं जाना मिनी, नहीं जा, इधर दिखाओ मुंह करो, इधर नहीं जाना, देखो मिनो रूम में किसी एक दिन ना, मेरा काका नहीं जाना चाहता वहां पे, तो छोड़ दो मेरे काके को। अच्छा इसको मैं लेके जा रहा हूँ बस। ये कौन सा जाना चाहता है? अब आपका टाइम खत्म हो गया, रिकी जा रहे हैं जी, ये मेरा भोला बच्चा है, ये बहुत भोला बच्चा है, ये नहीं कुछ कहता। अच्छा चलो बिल्लू को ट्राई करते हैं, बिल्लू बिल्लू चले। अच्छा बिल्लू, अल्लाह हाफिज कह दो बिल्लू, बिल्लू को मैं उस रूम में छोड़ने जा रहा हूँ, बिल्लू बिल्लू को सब समझ आती है, बिल्लू आ जाओ, बिल्लू बिल्लू उस रूम में जाना है, बिल्लू बिल्लू मेरी बात सुनो, मम्मा के पास आ, बिल्लू आ जाना मम्मा के पास, बिल्लू नहीं जा, नहीं जा, ने आपको मारा कैसे है कि मुझे उतार दो। चलो सासा उस रूम में चले, चलो आओ आओ जाओ आओ, चले
मैं साशा को लेके जा रहा हूँ, ठीक है? साशा को लेके जा रहा हूँ उस रूम में। साशा चलो, साशा चले, तुम्हें दरवाजा खोलो। बड़ी साशा का भी बिल्कुल दिल नहीं है यहाँ से जाने का। देखो बोल गए, इधर लेके आओ मेरे पास। चलो देखो देखो साशा, आजो मम्मा के पास आजो। अच्छा चलो चले, चलो हम जा रहे हैं, ठीक है? नूर नूर बोला, नूर की हार्ट बीट इतनी तेज हो गई है कि मुझे नहीं जाना। आप क्यों बैग से पागल हो जाते हो? देखो आवाज नूरी, नूरी की हार्ट बीट इतनी तेज हो गई है कि मैं चलाऊं। मोनी इतनी मासूम है, बहुत ही मासूम है मोनी। तो कहाँ गई साशा? टॉफी, टिफी कहाँ है? ब्राउनी कहाँ है? टॉफी, हाँ बलोनी कहाँ है? बताओ बलोनी कहाँ है? टिफी और टॉफी, कह रहा मुझे छोड़ दो, छोड़ दो छोड़ दो मेरे काके। अच्छा अच्छा एक मिनट, टॉफी किधर है? टॉफी किधर है? अच्छा बलोनी का पता है? बलोनी का पता है? छोड़ दो, बात कह रहे मुझे छोड़ दो। एक मिनट, मम्मा किधर है? मम्मा आप मैक्स के बेटे हो? एक जवाब दे दो फिर छोड़ देंगे। आप मैक्स के बेटे हो? नहीं आई ना। अच्छा मैक्स के बेटे नहीं है? नहीं, सब कहते हैं आपके बेबीज नहीं हो रहे। और अब ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है, तो मैं कुछ काम से बाहर गई थी और हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था और दोपहर हो चुकी थी। तो मैंने तो यहाँ पे 2 चिकन के पीस लिए हैं और 2 शामी लिए हैं मैंने कटलेट्स, और फुजैल ने लिए थे जी समोसे और पैटीज़। तो हम लोग बस यही खा रहे थे, ये खा के तो फिर बस हम लोगों ने जो काम था वो किया, फिर घर चले गए। आज मुंगरे बना रही है, ये क्या है? ये अभी कीमा भूनना है। भूना नहीं? नहीं अभी तो सिर्फ थोड़ा सा मुझे मेरे लिए निकालना भूना हुआ, थोड़ा इतना सा। वो मैं अपने लिए सोच रही थी। अच्छा चलो मैं एक नौला ले लूंगा, तुम अपने लिए निकाल लोगे? पता है तो मुंगरे खा ही नहीं सकूं। हां ना, मैंने इसलिए निकालना था कि शायद मुझे मुंगरे अच्छे ना लगे, क्योंकि मैं नहीं खाती होती ना मुंगरे। मुंगरे वैसे बड़े मजे के होते हैं। ये तुम्हारी टी? ये मैं कहवा पी रही हूँ शाम को। और ये मूंगरे बॉईल हो रहे हैं, बस ऑलमोस्ट हो गए हैं ये। और आज हम बना रहे हैं कीमा मूंगरे। अभी इसमें ऑयल डाल दूँ। कल किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने ये ऑयल की बॉटल्स कहाँ से ली हैं। ये मैंने इधर से होम मार्ट से ही ली हैं। आपको कोई भी स्टोर से या मार्ट से जहाँ पे क्रॉकरी वगैरह मिलती है आपको आराम से ऐसी बॉटल्स मिल जाएंगी ग्लास की। ये कौन है? ये जब इस तरह मीट वगैरह कीमा वगैरह बनता है ना तो बच्चे बड़ा रोते हैं। ब्रानी, ब्रानी क्यों आई हो? बलोनी ने खाया था? नहीं बलोनी ने, मिमी बलोनी, बलोनी आपने खा लिए? अच्छा जी, आप सब पूछ रहे थे कैट को क्या एग दे सकते हैं। जी एग बिल्कुल दे सकते हैं अपनी कैट को। आप रॉ एग नहीं दे सकते, बस बॉईल करके दे दें आप एग, वो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो ब्रॉनी, मैं अक्सर एग खाता हूँ ना तो फ्राई, तो ब्रॉनी बड़े शौक से वो खाती है, इसलिए ब्रॉनी को मैं हफ्ते में एक दफ़ा बहुत थोड़ा सा माइनर सा देता हूँ, इतना ज़्यादा नहीं। आप ऐसा वीक में एक या दो दफ़ा विंटर्स में दे दें, गर्मियों में आप कभी कभी दे दें, और पूरा एग तो हम लोग नहीं खिलाते, बस थोड़ा थोड़ा खिलाते। कॉफ़ी आपने बेड गंदा किया था ना? अब अगर आपने मेरा बेड गंदा किया मैं आपको फिर बेड पे नहीं सोने दूंगी, मैं आपको नीचे उतार दूंगी बेड से। सुन रही हो आप? अब अगर आपने गंदा किया तो फिर आप मेरे बेड पे नहीं सो सकती। ओके, समझ आई है बात आपको मेरी? मैं आपको फिर बेड पे नहीं चढ़ने दूंगी, बिल्कुल आपको परमिशन नहीं दूंगी। हाँ जी
आपको उस रूम में छोड़ दूंगी बाकी सबके साथ। फिर वो आपको इतने थप्पड़ लगाएंगे, इतने ज्यादा लगाएंगे ना थप्पड़, सुने कॉफी ने? देखी जा रही, तुम्हें गौर से सुन रही है। मेरी पूरी सुनी है, समझ आई हो या ना आई हो? समझ भी आई होगी, अमल नहीं करेगी उस पे। कॉफी कॉफी कॉफी। तो जी आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और कल मैंने आपसे कहा था कि एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, तो वो मैंने रिकॉर्ड कर ली हुई है, लेकिन आज की वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई थी, तो वो कल शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।